एक रिवायत में फरमाया कि मैं यूरी दिल्ला खेरन खैरन हू फिर अल्लाह जिस शख्स से भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ बूझ अता कर देता है दीन की फ़काहत अता कर देता है अगर कोई शख्स किसी से भलाई करना चाहे तो जो सबसे कीमती चीज़ होगी वो उसको पेश करेगा मैं आपसे भलाई करना चाहता हूँ तो जो मेरी निगाह में बड़ी अच्छी चीज़ होगी मैं वो आपको पेश करूंगा तो मेरी तरफ से वो आपके लिए भलाई होगी तो अब रब किसी के साथ ये इरादा फरमा ले कि मैं अपने बंदे के साथ भलाई करता हूँ तो रब उसको क्या अता करता है माल दौलत अता कर देता है उसको बैंक प्लाजा कोठियां अता कर देता है नहीं ये मैार नहीं दिया मैार क्या दिया अल्लाह अकबर मालिक उसको पकड़ कर महबूब की चौखट से दीन की खैरत अता कर देता है। उसको इल्म दीन नसीब होने लगता है आप अगर अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हम भलाई की राह पर हैं हम खैर के रस्ते पर हैं तो आप ये गौर करें कि क्या आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है आप तीन साल पहले किधर थे दो साल बाद फिर एक साल बाद आज किधर है अगर तो ये जो है वो तरक्की का सफर है और आपको दीन का जोक नसीब हो रहा है इल्म दीन नसीब हो रहा है फकाहत नसीब हो रही है और आप चीजों में एहतियात करने लगे हैं कि यार मुझे ये दीन का मसला पता लग गया अब मैं इसमें गलती नहीं करूंगा और आपके अंदर ये जज्बा और ये शौक पैदा हो रहा है तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपसे भलाई का इरादा फरमा लिया है और जिससे रब भलाई का इरादा करे वो कभी घाटे में रह सकता है तो ये चीज देखनी होगी कि क्या हमारे पास दीन का इल्म आ रहा है कि नहीं हम रोजाना हिसाब करते हैं ना कि जनाब पिछले साल इतने लाख हमारी रास थी और इतना हमने प्रॉफिट कमाया और अब हम यहाँ खड़े हैं हम प्लान करते हैं जनाब अगले साल यहाँ तक पहुंचना है ये इस वक्त जो मुल्क हालात हैं तो तमाम कारोबारी लोग दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अपने शेड्यूल को कि ये छः माह में हम नहीं कमा सके लेकिन अब साल खत्म होने को आने वाले छः माह में हमने जो है बहुत कुछ करना है टाइम बढ़ाना है वर्कर्स को ज्यादा करना है कोई एक दो आउटलेट और बनाने हैं किसी तरीके हमने इस छह माह के खिलाफ को मैनेज करना है जरूर करना चाहिए इस्लाम ने इसकी नफी नहीं की है लेकिन छ माह तक अगर हम कुरान और हदीस का फैस उस तरह से हासिल नहीं कर सके तो जहां हम अपने कारोबार को मैनेज करने के लिए बेहतर बनाने के लिए वक़्त जो है वो मुनजम अंदाज में तरतीब दे रहे हैं तो फिर मुझे और आपको आज इस बात का भी इदा करना है कि जो पीछे छः माह में हम हासिल नहीं कर सके और एक रूटीन बनी थी हर हफ्ते में हमें दिन सीखने को नसीब होता था तो हमने इन जज्बों के साथ कि हमने ये खैर का सफर ये भलाई का सफर है और हमने इसमें तगोतास तो करनी है और अपने वक्त में से ज्यादा वक्त निकालना होगा देखिए आपकी अगर दुकान सात बजे तक जो है लॉकडाउन की वजह से ओपन थी और सात बजे आप उसको क्लोज कर देते थे और हफ्ते में चार दिन आपको मिलते थे तो अब आप प्लान कर रहे हैं कि अब इस खला को कैसे पूर्व करना है तो सिर्फ यार दुनिया के माल के लिए ही क्यों हमारा आखरत का सफर भी अगर इन छह माह में कम हुआ है और हमने कम सीखा है तो क्यों ना हम नए जज्बों के साथ इस बात का भी अहद करें कि अब हम हर इतवार को तसलसल के साथ जो है वो सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि अमल की राहें भी दुरुस्त करेंगे और अपने अमल का मुहासबा करते रहेंगे जो लोग इल्म दिन सीखने का जज्बा रखते हैं उनको मैं हजरतान सेवायत सुनाना चाहूँगा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्म के पास हाजिर खिदमत हुआ और जब मैं पहुंचा तो महबूब ने सुर्ख चादर का तकिया बनाया हुआ था और उस पर टेक लगा कर जलवा फिराज थे फरमाते मैं मुलाकात की तो हुजूर ने पूछ लिया कि सफवान आप किधर आए हैं तो कोई ना कोई गर्स होती है तो मैंने अर्ज किया हुजूर मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर खदमत हुआ खुशकस्मत श्यागिर थे कि जिनको पढ़ाने के लिए मोल में इंसानियत मौजूद थे अब जरा तस्वर करें एक तो हजूर का गोरा चिट्टा रंग और खूबसूरत बदन और सुर्ख रंग की चादर का तकिया हजूर ने खुद बना के रखा हुआ और आने वाला पास बैठा है तो हजूर ने पूछा भी खैरियत से आए हो तो अर्ज की हजूर मैं दीन सीखने के लिए आया हूं तो हजूर ने उनको जो पहली बात कही वो बड़ी खूबसूरत थी मैं कि मरहबम इल्म सीखने वाले को मुबारक हो यानी जो आया इस घर से है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अच्छा यहाँ पर हजूर ने यह नहीं फरमाया कि सफवान तुम्हें मुबारक हो इतनी अच्छी सोच लेकर इतनी अच्छी फिक्र लेकर सुबह सवेरे तुम आगे हो दीन सीखने के लिए तो हुजूर उनका नाम लेकर भी तो फरमा सकते हैं लेकिन लफ्जों का इंतबाव अल्लाह अकबर हजरत सफवान रदी अल्लाह त और ने कितना खूबसूरत जुमला मरहबम बितालबिल ये नहीं कहा कि सफान तुम्हें मुबारक हो बल्कि लफ्जों का तर्जुमा यह बताता है कि हजूर ने दर परदा कहा कि क्यामत तक आने वाले तलाबा को मेरी मुबारक हो जो दिन सीखने के लिए आएगा मैं मोहम्मद उसको मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह मरहबम भी तालब मुतलकन कह दिया तालब इल्म को मुबारकबाद और आगे फरमाया कि बेशक फरिश्तेब इल्म के लिए अपने परों को नीचे बिछा देते हैं